हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह। आज हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है और किन कारणों की वजह से ये डेवलप करता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज ए कॉमन कंडीशन दैट काउज पेन, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन एंड वीकनेस इन द हैंड एंड रिस्ट। कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण दर्द होता है, सूनापन होता है, झंझनाहट होता है और कमजोरी होता है हमारे हाथ में और रिस्ट में, जो कलाई है वहां पर, ये सब सारी चीजें होती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम ऐसा क्या करता है जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं? तो कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप करने का कारण है कि हमारे रिस्ट से मीडियन नर्व क्रॉस करता है और मीडियन नर्व जो है वो हमारे फिंगर्स में सेंसेशन प्रोवाइड करवाता है, जो थंब को प्रोवाइड करता है, इंडेक्स फिंगर को प्रोवाइड करता है और मिडिल फिंगर को करता है और आधा हमारे रिंग फिंगर को सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो जब ये नस जो हमारा मीडियन नर्व्स है, अगर इसके ऊपर किसी कारण बस दबाव पड़ जाए, कंप्रेशन होने लगे, तो ये सारा प्रॉब्लम्स होने लगता है। आप यहाँ पर देखिए, ये है फ्लेक्सर रेटिना कुलम जो कार्पल बोन से अटैच है और इसी फ्लेक्सर रेटिना कुलम के नीचे से मीडियन नर्व पास कर रहा है, टेंडन पास कर रहा है जो हमारे फिंगर को सप्लाई कर रहा है। और जब देखते हैं कि फ्लेक्सर रेटिना कुलम पर जब दबाव पड़ता है, जब किसी कारण से कंप्रेशन होता है, अगर किसी प्रॉब्लम के कारण जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो मीडियन नर्व को कंप्रेस करने लगता है और जब मीडियन नर्व को कंप्रेस करता है जिसके कारण ये सारा सिम्टम्स डेवलप करने लगता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों करें कि ये हमारे कार्पल बोन के बीच में एक कैनाल बना है और यहीं से पास करता है और इस पर कंप्रेशन पड़ने के कारण ये सारा सिम्टम होता है, इसलिए हम लोग इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कारण है जिसके वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप करता है। हम रेगुलर हैंड को, जो कलाई को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हथौड़ा चलाने वाले हैं लोग, वो ज़्यादा दिन भर हथौड़ा चलाते हैं, जिसके कारण कहा कि उन लोगों में डेवलप कर सकता है। कुछ है रिस्ट से बहुत ज़्यादा दूसरे कोई काम, जैसे सिलाई मशीन का काम करते हैं, कोई असेंबली वर्क करते हैं, या फिर कहा कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चलाते जो वाइब्रेट होता हो, जिसके कारण कहा कि ये चीज़ें होने की संभावना है। हेरिडिटरी भी हो सकता है, कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं में ये डेवलप करता है, कभी कभी रिस्ट के फ्रैक्चर होने पर भी इन्फ्लेमेशन के कारण कंप्रेशन होगा और ये चीज़ें हो सकता है। रूमेटिक डिजीज में भी ऐसा हो सकता है, रिस्ट में कहा कि अगर पेन होगा तो यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, तो ये भी हो सकता है, गाउट के कारण हो सकता है। कुछ लोगों में कुछ जो डिजीज है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे डायबिटीज लोगों में होने की संभावना, हाइपोथायरॉयडिज्म में होने की संभावनाएं हैं और ओल्डर एज के लोगों में या फिर कोई ट्यूमर बनने के कारण। अल्टीमेटली ये बात को जाने कि नर्व के ऊपर कंप्रेशन किसी कारण से होगा तो ये सिम्टम डेवलप कर जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जो भी कारण हो। ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में होता है कंपेयर टू मेल। अब हम लोग सिम्टम पर बात करते हैं कि क्या सिम्टम मिलता है। तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण सबसे पहला कहा कि टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा थंब के ऊपर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर और मिडिल फिंगर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर दर्द भी होगा, रिस्ट के पास होगा और हाथ में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कहा कि सुन का भी आभास होने लगेगा कि हमारे फिंगर में जो सेंसेशन है वो कम हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे कहा कि फीलिंग ऑफ सेंसेशन जो है वो घटने लगेगा, लगेगा कि ये सब हिस्सा जो है काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा है।
जैसे जैसे समस्या और बढ़ेगा तो आपके हैंड्स के जो डिफ़िकल्टी है, जैसे किसी चीज़ को होल्ड करने की प्रक्रिया है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको बुक अगर कोई पकड़ करके जाना है तो उसमें आपको लगेगा कि बहुत अच्छा से हम पकड़ नहीं रहे हैं, ग्रैप्स नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर पर आप काम करते हैं तो आपको जब भी आप कीबोर्ड पर काम करेंगे तो आपके रिस्ट में पेन होगा, बहुत कम हाथ चलेगा, तो ये चीज़ें हैं, दिक्कत होने लगता है। और जब कहा कि इससे भी कंडीशन और थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपके हाथ में कमजोरी होने लगेगा, और कहा कि आप जो काम कर रहे थे अब वो काम आपसे नहीं होगा, और कोई भी वस्तु आप जब पकड़ेंगे तो आपके हाथ से छूटकर गिर सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसकी सिवियरिटी बढ़ेगी, और अब आपको क्या होगा कि जो आपके थम है, ये तर्जनी जिसको कहते हैं, थम के ये जो फैट पैड देख रहे हैं, ये क्या होगा, धीरे धीरे एट्रॉफी होने लगेगा और सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सिम्टम के जरिए रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है रात में दर्द होना। रात में लगेगा कि अचानक दर्द आया, उसके बाद फिर जब आप हाथ को इधर उधर हिलाएंगे तो वो ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग इसी से होता है, लेकिन धीरे धीरे आपके जितने भी हमने सिम्टम की बात किया वो आने लगता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे पता करें कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सबसे पहला है कि एक्सरे कराते हैं। यूजुअली जो एक्सरे होता है उसमें नर्व्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बोन के किसी बीमारी को जानने की कोशिश करते हैं, या कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए, बोन की जो अपना स्ट्रक्चर नॉर्मल है कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग रिस्ट के एपिलैटरल कराते हैं, जिससे हमको ये बात पता चलता है कि बोन का कोई बीमारी है कि नहीं। उसके बाद है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, हमने मसल की एक्टिविटी को जानने के लिए कि हमारे मसल की एक्टिविटी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, करंट यहाँ से जा रहा है कि नहीं, मसल को मिल रहा है कि नहीं, या फिर नर्व कंडक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि करंट अगर फ्लो, कहा कि नर्व इम्पल्स फ्लो फ्रॉम द नॉर्मल, अगर नॉर्मल से कम काम कर रहा है, इसका मतलब कि मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके पता किया जाता है, और कभी कभी लोग इसमें अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, लेकिन यूजुअली डॉक्टर्स एग्जामिन के जरिए ही पता कर लेते हैं कि ये क्या है। दूसरा हम लोग बात करें कि कार्पल टनल सिंड्रोम है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो पहली बात करते हैं कि मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पर दो तरह के अप्रोच को लेते हैं, एक सर्जिकल अप्रोच है, एक नॉन सर्जिकल अप्रोच है। सर्जिकल अप्रोच दो तरह के होते हैं, एक इंडोस्कोपिक टेक्निक के जरिए होता है, जिसमें छोटे से छिद्र बनाया जाता है, छोटे से होल बना करके एक पतली से इंडोस्कोप को डाल करके फ्लेक्सर रेटिना कोलम, इसमें होता क्या, इस ऑपरेशन में क्या करते हैं, तो मेन एम है ऑपरेशन का कि जो फ्लेक्सर रेटिना कोलम जो हमने आपको पिक्चर में दिखाया था, उसी को कट किया जाता है, जिससे कि मीडियन नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन है वो खत्म हो जाए, प्रेशर रिलीज हो जाए और नर्व अपना प्रॉपर फंक्शन करने लगे। तो या तो इंडोस्कोपिक टेक्निक के जरिए हम लोग ये करें, या फिर कहा कि ओपन सर्जरी, पूरा ऊपर खोल करके जो पहले होता था वो टेक्निक के जरिए किया जा सकता है। तो ये अवेलेबल कहाँ पर, कौन करते, कैसे करते, इनके ऊपर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर नॉन सर्जिकल है तो क्या करना चाहिए। नॉन सर्जिकल में सबसे पहले स्प्लिंट लगाते हैं। ये बात हम लोग देखते हैं कि किनको, अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी को है तो बहुत आप दवा नहीं दे सकते, इसलिए उसमें स्प्लिंट जो फर्स्ट ट्रीटमेंट का जो मैनेजमेंट का हिस्सा है वो है स्प्लिंट। तो आप स्प्लिंट लगा करके उसको रखिए कि रात में उनके हाथ मुड़े नहीं और उनको दर्द ना हो, रात में सोने में परेशानी ना हो, इसलिए स्प्लिंट लगाया जाता है। पहला, किसी को भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन हमने विमेन के बारे में इसलिए कहा कि उन लोगों में लिमिटेड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, खास करके प्रेग्नेंट लोगों में, इसीलिए ज़्यादा ड्रग नहीं दे करके हम लोग एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर जनरल लोगों को भी स्प्लिंट लगाया जाता है। और दूसरा है दर्द की दवा, जिसको एनएसएड कहते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कि यहाँ पर स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉयड
जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में फ्लेक्सर रेटिना कोलम के अंदर दिया जाता है, इसलिए कि आपका जो स्वेलिंग हुआ था, जो पेन है फ्लेक्सर रेटिना कोलम के नीचे जो मीडियन नर्व है दबाव पड़ रहा है, इसलिए इस जगह पर जो एस्टेरॉयड है, कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, इसको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, तब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन घटता है और फिर धीरे धीरे जो आपके जो सिम्टम थे वो धीरे धीरे रिकवर की ओर जाता है। तो ये एक तरीका है। तो हम लोग देख रहे हैं दो तरह से, हमने कहा कि नॉन सर्जिकल और सर्जिकल की बात हमने किया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।